हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ाएंगे लेसन 8, नंबर्स। ठीक है बच्चों, आप लोग को नंबर बताना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को मैंगो यानी कि आम। तो यहाँ पे एक दिख रहा है, एक आम मतलब वन मैंगो। एक O N E, वन वन मतलब एक। मैंगो MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम, तो एक आम। अब दूसरा दिख रहा होगा बच्चों, दो दो पतंग दिख रहा होगा। तो इसके लिए दो के लिए TOW, 2, 2 मीन्स दो। KITE, KITE, काइट यानी कि दो पतंग। काइट मीन्स पतंग। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोगों को तीन मुर्गियां दिख रही होगी बच्चों। तो इसके लिए तीन के लिए 3 H R E E, 3 मतलब तीन यानी कि मीन्स तीन होता है। हेंस HENS, हेंस हेंस मीन्स मुर्गियां। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा तीन मुर्गियां। तो एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे। ऊपर दिख रहा होगा एक आम, तो इसके लिए वन मैंगो मतलब एक आम। ठीक है बच्चों, और दूसरा दिख रहा होगा दो पतंग यानी कि 2 kite, नंबर में दो है। और तीन मुर्गियां दिख रही होगा मतलब 3 hens, मतलब तीन मुर्गियां। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा है, ये गिनती गिनती रहेंगे हम लोग। एक किताब आया अभी, फिर दूसरा यानी कि दो, फिर तीन, फिर चार। बच्चों टोटल मिलके चार किताब है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 4 F O U R, 4, 4 मीन्स चार। बुक BOOKS, बुक्स, बुक्स मतलब किताबें। तो चार किताबें, ये नंबर में चार दिख रहा होगा बच्चों। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा ये दिख रहा होगा पेंसिल, एक पेंसिल अभी आया। दूसरा दो पेंसिल, अभी तीन पेंसिल हो गया। इसके बाद चार पेंसिल, फिर पांच पेंसिल। ठीक है बच्चों, तो पेंसिलों की संख्या पांच है। तो पांच के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे 5। तो ये 5 के लिए FIVE, 5, 5 मीन्स पांच। पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल होता है, PENCILS, पेंसिल्स। 5 पेंसिल्स मतलब पांच पेंसिल। अब सेब के लिए, तो एक सेब भी आया, फिर दो, तीन, फिर चार सेब, फिर ये पांच सेब। तो बच्चों इसमें टोटल मिला के पांच सेब और एक छह सेब, टोटल मिला के छह सेब है बच्चों। तो छह के लिए 6, SIX, 6, 6 मीन्स छह। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो APPLES, एप्पल्स, एप्पल्स मीन्स सेब है। तो छह सेब है, यहाँ पे छह सेब दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए 7 फूल आएगा। तो 7 में एक फूल आया अभी, दो फूल, तीन फूल, साथ साथ गिनते रहेंगे, चार फूल, पांच फूल, छह फूल, 7 फूल। तो यहाँ पे बच्चों कुल मिला के 7 फूल है। तो 7 के लिए 7, SEVEN, 7, 7 मीन 7। फ्लावर्स मतलब फूल है, FLOWERS, फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूले। तो 7 फूले यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, तो 7 फूल। तो इस यहाँ पे फुटबॉल हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4, अभी पांचवा आया, फिर छठवां आ रहा है, ये सातवां बॉल और ये आठवां बॉल। तो यहाँ पे टोटल 8 बॉल दिख रहा होगा बच्चों। तो इसके लिए 8 बॉल्स, तो
एट के लिए ई आई जी एच टी एट, एट मीन्स आठ। बी ए एल एल एस बल्स, बल्स मीन्स गेंदे, तो आठ गेंदे, यहाँ पे आठ गेंदे दिख रहा होगा बच्चों, तो इसके लिए आठ नंबर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार दोहराएंगे, सेवन, सेवन फ्लावर्स मतलब सात फूल हैं, इसके लिए नंबर सात है। और फिर यहाँ पे बॉल, आठ बॉल हैं तो इसके लिए एट बॉल्स, आठ बॉल हैं इसके लिए नंबर आठ है। तो एक बार हम लोग इसको स्पेलिंग देखेंगे, एस ई वी ई एन, सेवन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स, सेवन फ्लावर्स मतलब सात फूल हैं, एट बॉल्स, एट बॉल्स मतलब आठ गेंदें। अब हम लोग दूसरा देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा कौआ, तो एक दो, अभी आया तीन, इसके बाद चार, फिर पाँच, फिर छः, सात, आठ और नौ। यहाँ पे बच्चों कुल मिला के नौ कौवे हैं, तो नौ के लिए नाइन, एन आई एन ई नाइन, नाइन मीन्स नौ, और सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रोज, क्रोज मीन्स कौवे, तो नौ कौवे, इसके लिए नौ नंबर है। अब इसके लिए अब हम दूसरा देखेंगे, आइसक्रीम, एक दो तीन चार पाँच आइसक्रीम, अभी छः सात आठ नौ दस, कुल मिला जुला के यहाँ पे बच्चों दस आइसक्रीम दिख रहा होगा आप लोगों को, तो दस के लिए टेन, टी ई एन, टेन, टेन मीन्स दस, आई सी ई सी आर ई ए एम एस, आइसक्रीम्स मतलब आइसक्रीम मतलब दस आइसक्रीम्स, इसके लिए नंबर दस आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों। तो एक बार हम लोग फिर से इसको दोहराएंगे, तो नाइन क्रॉस मतलब नौ कौवे, और टेन आइसक्रीम मतलब दस आइसक्रीम, तो नाइन के लिए एन आई एन ए, नाइन मतलब नौ, सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रॉस, क्रॉस मतलब कौवे, नौ कौवे, नंबर नौ, टेन आइसक्रीम टी ई एन, टेन, टेन के लिए दस, आई सी ई सी आर ई ए एम एस आइसक्रीम्स, आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम, तो टेन आइसक्रीम मीन्स दस आइसक्रीम, इसके लिए नंबर है बच्चों दस। तो आप लोग बच्चों इसको एक बार दो बार आप लोग दोहराएंगे और साथ साथ हमारे पढ़ते रहेंगे और दोहराते रहेंगे। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मिलान करने वाला, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे तीन मिलान किया हुआ है पहले से, तो तीन मुर्गियाँ दिख रही होगी, इसके लिए तीन, इसका स्पेलिंग टी एच आर ई ई, थ्री, थ्री मीन्स तीन, तो तीन, तीन यहाँ पे क्या है, मुर्गियाँ हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, एक के लिए, तो एक यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एप्पल यानी कि सेब एक दिख रहा है, तो इसके लिए ओ एन ई वन मतलब एक सेब, एक के लिए सेब, ठीक है। यहाँ पे बच्चों चार के लिए हमें चार आम दिख रहा है, तो हम इसका मिलान चार आम से करेंगे, चार का, इसके लिए एफ ओ यू आर फोर करेंगे। अभी दूसरा है बच्चों आठ के लिए, आठ यहाँ पे बॉल्स दिख रहे होंगे, इसका मिलान आठ बॉल्स से करेंगे। एट के लिए ई आई जी एच टी एट, एट मीन्स आठ, आठ बॉल है, तो इसका मिलान हम आठ से किए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नौ, नाइन, नाइन यहाँ पे आइसक्रीम दिख रहा है, नौ आइसक्रीम दिख रहा है बच्चों, तो इसके लिए एन आई एन ई नाइन, नाइन मतलब नौ, नौ, नौ यहाँ पे आइसक्रीम नौ है। अब हम दूसरा देखेंगे जो बचा हुआ है, तो यहाँ पे बचा हुआ है सेवन, सेवन यहाँ पे फूल, फूल यहाँ पे सेवन है यानी कि सात है, तो सेवन के लिए एस ई वी ई एन,
सेवन, सेवन मीन्स सात। तो बच्चों हम लोग एक बार ऊपर से लेके नीचे तक फिर से नंबर गिनेंगे, ठीक है। तो वन, वन के लिए ओ एन ई वन, वन मीन्स एक। फिर दूसरा है फोर, एफ ओ यू आर फोर, फोर मीन्स चार। इसके बाद एट, ई आई जी एच टी एट, एट मीन्स आठ। नाइन के लिए, नाइन मतलब नौ होता है, एन आई एन ई नाइन, नाइन मीन्स नौ। थ्री, थ्री मीन्स तीन, टी एच आर ई ई थ्री, थ्री मीन्स तीन। सेवन, सेवन मीन्स सात, एस ई वी ई एन सेवन, सेवन मीन्स सात। तो बच्चों वन का एक के लिए मिलान किया गया सेब से, चार का मिलान किया गया आम से, आठ का मिलान किया फुटबॉल से, नौ का मिलान किया आइसक्रीम से, तीन का मुर्गी से, सात का फूल से, ठीक है बच्चों। आगे कल, थैंक यू, थैंक यू वेरी।